नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। भोपाल में कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने कांग्रेस ऑफिस में आयोजित धार्मिक आयोजन पर उठाए सवाल, बोले एक धर्म का इस तरह पार्टी दफ्तर में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एमपी में चुनाव से पहले कथा कराने की होड़, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में करवाई पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, शिवराज के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में करा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेतानम का अंबिकापुर में विवादित बयान, करप्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई के बारे में बोल रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में राहुल के कार्यक्रम से वापस लौट रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल, बस में शराब की बोतल लेकर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलरकर ने नीतीश की मौजूदगी में कहा, शिक्षा विभाग के एक सचिव हमसे पूछते हैं कि आपकी औकात क्या है, उनमें किसने कहने का ये दुस्साहस कैसे उनमें आया। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। नीतीश पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने साधा निशाना, कहा आरजेडी का नीतीश पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव, साथ ही विपक्षी गठबंधन में भूमिका नहीं मिलने का भी झटका लगा। पश्चिम बंगाल में कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी के काफिले पर पथराव, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी, खजूरी से लौट रहे थे सांसद, पुलिस ने कहा कोई शिकायत नहीं मिली। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संदीप गिड्डे पाटिल ने ज्वाइन की बीजेपी, कहा 4 साल पहले शिवसेना में हुए थे शामिल लेकिन कभी उद्धव से ने मिलने का समय नहीं दिया। मराठा आरक्षण पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, मराठा और ओबीसी में विवाद पैदा करने की ना हो कोशिश, बीजेपी सरकार देगी मराठों को आरक्षण। मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मराठा समाज के लोग, जालना में हुए लाठीचार्ज का भी विरोध, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।